नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, ट्रस्टेड नेम इन हेल्थ केयर। जैन हॉस्पिटल बिरसा डेंटल कॉलेज कैंपस सेक्टर 8C बोकारो झारखंड। महिला सम्मान देने की ये लोग बात करते थे, जिस तरह से ये आंगनबाड़ी सेविका लोगों को रोड पर सरेआम पुरुष पुलिस वाले से पिटवाया गया, आपको क्या लगता है महिला का सम्मान देने का ये नया तरीका लॉन्च हुआ है क्या रघुवर जी का? मैडम एक सवाल, देखिए इस बात को तो हम अभी तक खारिज करेंगे, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों का गठबंधन का बात चल रहा था कांग्रेस से, तो गठबंधन की बात को लेकर सुबोधकांत सहाय तृणमूल कांग्रेस के मंच पर आए थे और ये राष्ट्रीय स्तर पर बात हुई थी, तो इसके बारे में और तो ज़्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक हमारे पास ये जानकारी है कि सुबोधकांत सहाय तृणमूल कांग्रेस में नहीं आने वाले हैं, बस वो गठबंधन की बात करने के लिए आए थे। TMC से राज्यसभा जाने की बातें भी चल रही हैं बंगाल से। देखिए ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, तो झारखंड से तो हमारे MLA हैं नहीं, और राज्यसभा तृणमूल से जाने के लिए अगर झारखंड की बात होती तो हम इस पर कुछ बोल सकते थे, लेकिन ये बंगाल की बात है तो हम इसको पूरी तरह से ना तो आपको कंफर्म करेंगे कि वो जा रहे हैं और ना ही हम आपको ये बोलेंगे कि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए आपको एक बात बताते हैं कि सुबोधकांत सहाय सीनियर लीडर होने के साथ साथ एक गंभीर नेता हैं, और जहाँ तक हम जानते हैं तो बहुत तो हम उनके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जब 26 तारीख को हम बोले थे, पता नहीं आप लोग थे कि नहीं, थे वो 26 तारीख वाला, तो जब बोले थे तो क्या नाम है, वो बोले थे कि आपका तो अस्तित्व ही नहीं है, तो हम बोले जब कल होके सुबोधकांत सहाय आ गए मेरे मंच पर तब उनको लगा कि नहीं बोला था जी, मतलब अभी पार्टी शुरुआत हो रहा है तो इसमें कैसे लड़ेंगे, वो अस्तित्व की बात हो रहा था। देखिए हमारा मानना है ना बाबू कि अगर कोई भी पार्टी कहीं ना कहीं से तो शुरू किया था, आप JMM को ले लीजिए, तृणमूल तो अभी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आप JMM को ले लीजिए करते हुए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हासिल कर लिए, तो अकेला शिवू सोरेन अगर इतना अचीवमेंट कर सकते हैं तो तृणमूल के पास तो अभी वर्तमान में बहुत कार्य करता है, बहुत ज़्यादा कार्य करता है, प्रयास कर रहे हैं कि आगे काफ़ी तेजी से नाम भी हो गया है TMC का झारखंड, और अब ये आगे बढ़ेगा, अब पीछे नहीं हटेगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद से ब्रांड एम्बेसडर हमारी यहाँ पे है, पर दीदी ममता दीदी वहाँ है झारखंड की। मैडम ये लगभग 10 दिनों के बाद झारखंड में आचार संहिता लग जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या TMC की तैयारियाँ चल रही है? देखिए तृणमूल कांग्रेस की तैयारी बूथ लेवल तक अब लगभग बहुत सारे विधानसभा में कंप्लीट होने वाली है, और तृणमूल कांग्रेस इस बार 2019 का विधानसभा चुनाव जोर शोर से झारखंड में लड़ेगी, और आप देखिएगा कम से कम तृणमूल कांग्रेस का 5 विधायक जीत के विधानसभा पहुंचेंगे, ये हमारा अनुमान है। कितने सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे? उम्मीदवार तो हम लोग टोटल पर खड़ा कर रहे हैं 81 सीट पर, और नहीं 81 सीट है हम लोगों का, और झारखंड में पूरा 81 विधानसभा है और हम लोग सारे सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? अपने पास तो मुद्दा ही मुद्दा है, रघुवर सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटा, विकास का ढोल पीटा, महिलाओं को सम्मान दो,
तो सारा तो मुद्दा ही मुद्दा है, ना ही कहीं भी विकास दिखाई दे रहा है। अभी आप जो बैठे हुए हैं, आप बड़गांव ब्लॉक में बैठे हुए हैं, बड़गांव ब्लॉक के 1 किलोमीटर के रेंज का ये एरिया है, और आप देखे आए तो खुद ही देखे कि लगता ही नहीं है कि ये सिटी है या झारखंड का राजधानी है। ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत पहले बचपन में जब खेत का आड़ी पर जाते थे ना, वो आड़ी भी इस रोड से बहुत ज़्यादा बेहतर था। तो विकास, तो विकास का दावा जो है वो पूरी तरह से खोखला है। महिलाओं को सम्मान देने के नाम पर जिस तरह से सरेआम पारा शिक्षकों को पीटा गया, जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविकाओं को महिला सम्मान देने की ये लोग बात करते थे, जिस तरह से ये आंगनबाड़ी सेविका लोगों को रोड पर सरेआम पुरुष पुलिस वाले से पिटवाया गया, आपको क्या लगता है महिला का सम्मान देने का एक नया तरीका लॉन्च हुआ है क्या रघुवर जी का? मैडम एक सवाल, आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।